अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। वो जो लड़की भजन गा रही थी ना, सांची है, जिसे हमारा श्रवण पसंद करता है। एक बात ध्यान से सुनो चंचल। सर, श्रवण। मैं तुम्हें चंचल ही बुलाऊं, अंडरस्टैंड? पापा, आप श्रवण से इतना क्यों चिढ़ते हो? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इडियट है। आइए चलिए मेरे साथ, मैं लेके चलती हूँ। कहाँ तक सहारा देगी मुझे? आप कहें तो आपके घर तक। मैं अभी इसी वक्त श्रवण का रिश्ता लेकर जा रही हूँ लड़की के घर। क्या, कौन आया भाई? अरे दीदी, वो लोग वो घर के अंदर तक आ गए। अरे बाबा, कौन आ गए घर के अंदर? अरे दीदी, श्रवण के घर वाले। हम सांची का हाथ मांगने के लिए आए हैं अपने बेटे श्रवण के लिए। हम अपने बेटे श्रवण का रिश्ता लेकर आए हैं। आपकी बेटी, आपकी भांजी सांची के लिए। जी हाँ, मैं अपने पोते के लिए आपकी सांची का हाथ मांगने आई हूँ। हमारा मजाक उड़ाने आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है उषा जी, हम बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे विनती करने आए हैं कि आप ये रिश्ता स्वीकार कर लीजिए। देखिए, मैं अपने परिवार के साथ आया हूं, अपने छोटे बेटे श्रवण का रिश्ता लेकर। अब हम सब ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। बेटा, हम आपके रिश्ते की कदर करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप हमें थोड़ा सा वक्त दें। आप लोग बैठिए, हम बस अभी आते हैं। बेहतर। उषा जी, हेलो। क्या यार बाबी डियर, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मेरा फोन ना उठाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मैं ये बताने के लिए फोन कर रहा था कि वो लड़की जिसके बाप घर आया था, अब आपको इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? हेलो हेलो भाभी, लगता है बहुत पहले काट दिया था। उषा, ऐसे कैसे मान जाए इस रिश्ते को बाबू? पिछली बार आए थे तो कुछ कहकर गए, इस बार कुछ भाई। शक्ल, सूरत और हैसियत से तो बड़े ऊंचे खानदान के लगते हैं। हमें लग रहा है लड़के में जरूर खोट होगा।
वरना इतने बड़े लोग का रिश्ता अपनी सांची के साथ जरूर किसी मजबूरी में आए होंगे। देखो शांति, कभी कभी सच्चाई पर विश्वास करना कठिन हो जाता है, लेकिन उसे मुंह मोड़ लेना बेवकूफी कहलाता है। अरे भाई, उनका बेटा हमारी सांची को चाहता है और इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती, सरासर जायज है। अरे प्यार होता है कि नहीं इस जमाने में? पापा, बाबू, वो हम और साची कल मंदिर गए थे, वहां वो भी आया था साची से मिलने। श्रवण, देखा? यानी उसका साची से? नहीं 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 नहीं, साची नहीं जानती उसको, उसका नाम तक नहीं जानती, वो तो बेचारी बहुत घबरा गई थी। हमने उस लड़के को देखा है, बहुत अच्छा लड़का है माँ। नानू, पापा, बहुत हैंडसम है, शाहरुख खान से भी हैंडसम। हम बस ये कह रहे हैं कि रिश्ता बहुत अच्छा है माँ। देख बेटा उषा, कल जिस तरह तुमने लड़के के पिता को बेइज्जत करके अपने दरवाजे से लौटाया था, अगर वो कोई शरीफ आदमी नहीं होता तो दोबारा लौट कर तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आता। ये बात तो है बाबू, अरे बेटा राम जी के इशारे को समझो, उसके खेल में ना टांग अड़ाओ ना कल उलझाओ। बेटा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे भाई शर्मिला जी, जरा कुछ मिठाई उठाई लेकर आ, बिना मिठाई के कैसे पता चलेगा कि शगुन हुआ है और बात हमारी पक्की है। बधाई हो। हकीकत में बदलने के लिए पहले सपने देखने पड़ते हैं। क्यों? श्रवण की साची?
उषा जी। जी। क्या मैं अपनी बहू से मिल सकती हूँ? हाँ, लेकिन आप दो मिनट बैठिए ना, बैठिए। अरे इतने धीरे धीरे चल रहे हो तुम लोग, जल्दी करो। साची अपने बाल बना, श्रेया इसका हल्का सा मेकअप कर ले, मैं देखती हूँ क्या कपड़े पहने। नहीं नहीं, जल्दी आओ, यहाँ बैठो, बाल बनाओ जल्दी से, मैं भाभी का मेकअप किट लेके आती हूँ। हे भगवान, अब इनमें से क्या पहनना है देखूं तो। ओह, इन्हें तो एक हाथ इस्त्री का भी लगाना पड़ेगा। साची बेटा एक काम कर, ये इस्त्री ले, इसे जरा प्लग में लगा दे, मैं देखूं। नहीं नहीं सुन, तू मत कर, कहीं हाथ वाथ जल गया दाग रह जाएगा, मैं ही कर लेती हूँ। तू इसमें से सिलेक्ट कर, तुझे क्या अच्छा लग रहा है, जल्दी। ये श्रेया कहाँ रह गई? मामी ये देख, माँ मैंने बोला था इन्हें वो। इस सब की कोई जरूरत नहीं उषा जी, हम अपनी साची को मंदिर में देख चुके हैं। हम इस चांद को अब और क्या सजाएंगे? अरे बेटा, इस सब की कोई जरूरत नहीं, शर्म और लिहाज वो तो आंखों में होती है, और एक माँ का आशीर्वाद हमेशा अपनी बेटी के साथ होता है। क्यों, सच कहा ना? भाई साहब, आज आप हमारे घर आए हैं, सच बोलूं तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्यों? आप ठहरे शहर के इतने बड़े रईस, इतना नाम है आपका, और आप हमारे घर में। इंदर जी, रईस हम पैदा थोड़े ही हुए थे, कुछ मेहनत कुछ परमेश्वर की कृपा जो आज हम इस लायक बने। बाकी ये जरूर है कि आजकल के बच्चे वो इस बात की इज्जत करना भी नहीं जानते। आपके घर में सुकून की बड़ी आभा है। बस वही है जी, और कुछ नहीं है जी, ना रईसी ना कुछ, बस जैसे तैसे काम चला लेते हैं हम। जिस घर में इतने अच्छे लोग हो वहां तो। देखिए बहन जी, हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते, जान जाए पर लच्छन ना जाए, हम बहुत गरीब हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम कुछ दान दहेज दे सके। माता जी, हमने दहेज की बात तो आपसे की ही नहीं, आपने ये बात कह के एक नजर में हमें बहुत छोटा बना दिया। अरे नहीं भाई साहब, इनका मतलब वो बिल्कुल मतलब इनका वो मतलब नहीं था। नहीं नहीं, मैं समझ रही हूँ, बहन जी तो अपने मन की शंका दूर कर रही हैं। हम तो यहाँ से सिर्फ बेटी लेकर जाएंगे। हाँ देखिए, पैसे तो मांगने से मिल भी जाते हैं, लेकिन संस्कार मिलना बहुत किस्मत की बात होती है। वाह बेटा वाह, क्या बात कही है, वाह।
लीजिए आ गया मेरा हीरा। आशीर्वाद ले ले। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ना बेटा ना, सुखी रहो। पैर तो तू मेरे छू चुकी है, हाँ? आ गले लग जा मेरे। बहुत दिनों से तेरा इंतजार था बेटे। तो अब चले माँ जी। अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे, अभी तो चाय नाश्ता करके जाना पड़ेगा है ना। हाँ जी फिर किसी दिन, अभी तो आना ही है हमें अपने बेटे श्रवण के साथ, तब अभी आज्ञा दें। ठीक है बेटा, जैसी आपकी इच्छा। आओ तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं। जी आई आई। निधि चल श्रवण को फोन लगा, फोन लगाओ सर, बहुत जल्दी घर आया। उसी का होगा, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर है। हेलो। बस क्या निधि डियर, मेरा फोन उठाने का टाइम नहीं है। हिटलर ने आपको भी काम पे तो नहीं लगा दिया नीता भाभी की तरह? देख मैं तेरी तरह फालतू नहीं हूँ, मुझे बहुत काम है समझा। जैसे? जैसे तुझसे बात करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है समझा। और वैसे भी आज तेरी वजह से बहुत। अरे उसे बोल जल्दी घर पहुँचे। अच्छा सुन, तो घर पहुँच मैं सब बताती हूँ। मेरी वजह से क्या ऊपर से फोन काट दिया? मुझे तो पहले से ही पता था ये तो होना ही था, बाबू ने जो कहा था। क्यों मैंने नहीं बोला था? तेरे कहने से क्या होता है, ये सब बाबू के कहने से हुआ है। अरे हाँ भाई, बाबू के साथ रहकर तुम दोनों ही शानी हो गई हो, खुश। भाई हम तो कह रहे हैं इतने बड़े लोग और उन्हें हमारी साची पसंद आई। दाल में कुछ काला नहीं, दाल में कंकड़ पत्थर भी भरे पड़े हैं। जान जाए पर लक्षण ना जाए, और ऊपर से दहेज भी नहीं मांग रहे हैं। हम बता रहे हैं जैसे पिछली बार हुआ था ना, बिल्कुल वैसे ही होगा। ऐन वक्त पर ठेंगा दिखा देंगे वो लोग। अब आए हैं, लड़की देखकर गए हैं, कल आएंगे रिश्ते के लिए, मना करके चले जाएंगे। बकवास बंद करो अब। बेटा उषा, तू अपनी माँ को नहीं जानती है, ये जब भी बोलेगी कुछ ना कुछ अशुभ ही बोलेगी। दिखता नहीं है क्या, इतना अच्छा परिवार है, इतने अच्छे लोग हैं सब के सब, इस बार कुछ गलत नहीं होगा। भाई तुझे लगता है तो अच्छी बात है, और हमारा क्या है, हमारे लिए तो और भी अच्छी बात है। कम से कम उस बुढ़िया लतिका को हम ये तो बता देंगे कि उससे ऊंचे खानदान का दामाद ला रहे हैं हम। भाई जब राम जी जोड़ी बनाते हैं ना
तो एक ही झटके में सबको खुशियां दे देते हैं। अभी देखो, कल तक खुशियां इस साची से अनजान थी, और आज देखो इसके पास खुशियों का खजाना है, और इसकी वजह से इस घर का हर सदस्य खुश है ना। निधि डियर, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे भाभी डियर, फोन उठाओ। काट दिया? तेरी किस्मत भी कमाल की है शव। निधि भाभी है जो तेरा फोन काटे जा रही, और एक तरफ तारा है जो तुझे घास भी नहीं डालती। ओए, तारा के बारे में बात मत करना, वो तो मेरी जान है यार, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। शी इज माई लव।